सो वेलकम बैक टू MD's कुकिंग अरीना। आज की रेसिपी होने वाली है बड़ी सिंपल, बड़ी मज़ेदार और बड़ी क्रीमी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मलाई चिकन, और मलाई चिकन बनाएंगे हम इसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर। बड़ी इजी रेसिपी है, जो कि बैचलर लोग हैं, जो कि अपने हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त। तो रेसिपी पूरी देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा। मेरा नाम है शेफ अहमद हमार, एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल MD's कुकिंग अरीना। मलाई गोश्त बनाने के लिए या मलाई चिकन बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए चिकन। जो चिकन मेरे पास है, चिकन मैंने लिया आधा किलो चिकन मैं डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। मैरिनेट करने जा रहा हूँ आधा किलो चिकन को। हम डालेंगे 1-5 टेबलस्पून दही, इसी के साथ साथ 3 टेबलस्पून क्रीम पैकेट वाली, कोई और ना इस्तेमाल कर लेना। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। तो मैं इसमें डालने लगा हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, इसी के साथ साथ 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है। दिस चिकन वुड बी वेरी वेरी यमी। बड़ी आसान सी रेसिपी है, कोई चीज़ें हमने इसमें इतनी ऐड नहीं की। इसमें सिर्फ हमने अदरक लहसुन, काली मिर्च, क्रीम और दही ये ऐड किया है, और सॉल्ट एडजस्ट किया है। 10-15 मिनट का हम इसको मैरिनेशन टाइम देंगे। लोग मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि यार हम लोग बैचलर्स हैं या हम लोग काम करते हैं, हम घर आते हैं तो हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, जल्दी जल्दी कोई ऐसी चीज़ बनाएं बताएं कि झटपट बन जाए और हम जो है घर में उसको इजीली इंजॉय भी कर सकें। तो मेरे दोस्तों, ये है वो चीज़ जिसका आपको था इंतज़ार। इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने इसकी करनी है भुनाई, ठीक है, आराम आराम से, जब तक इसका जो है वो ऑयल और मसाला सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। और फिर एंडिंग पे बताऊंगा कि वो क्या मसाले हैं जो डालेंगे गार्निशिंग में, जो हमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। ये देखें, ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ऑयल छोड़ेगा तो हम इससे इसकी 3-4 मिनट और ढक के कुकिंग करेंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो थोड़ा सा और नरम हो जाए। जी, हमारी तकरीबन जो खाना है वो रेडी हो चुका है, एंड लुक एट दिस, वाओ वाओ। एंड पे हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर, एंड वी हैव टू सम टिपिकल सम गरम मसाला, वाओ, एंड लाइट ऑफ ब्लैक पेपर। क्या बात है, इट हैज़ नो चिलीज, तो हम इसके अंदर चिली भी ऐड कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, वाओ, आहा, इरफान भाई देखें, ये जो डिश है ना, ये बड़ी एक रैंडम डिश है और मेरी फेवरेट डिश है, ठीक है। इसको जब मैं खा रहा होता हूँ ना, मुझे अंदर से इसके जो फ्लेवर जब मेरे दिमाग में चल रहा होता है, आप लोग तो देख रहे होते हैं ना, मैं तो बना रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। उफ, वाओ, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये डिश इतनी मज़े की कैसे हो सकती है, दही और अदरक लहसुन को सिर्फ डाला। जब भी क्रीमी चीज़ बनती है ना, तो उसमें मसालों का रेशो अगर रखेंगे ना, तो वो मसालेदार हो जाएगी, क्रीमी नहीं होगी। इसलिए हम जो है वो क्रीम और दही से हमने इसको बैलेंस किया, एंडिंग पे हल्का सा बटर, उफ। और ये जो हरी मिर्चें हैं, इसको क्या वो दे रही हैं, मज़ा दे रही हैं, वाओ, अमेजिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। मेक श्योर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें हौसला मिल सके। और मेरा नाम है शेफ अहमद हमाद, और यू आर वॉचिंग MD's कुकिंग अरीना।